ऊना में मिनी सचिवालय में उपायुक्त ऊना के द्वारा मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये मोबाइल वैन ऊना विधानसभा क्षेत्र में 26 नवंबर को हरोले, 27 नवंबर को कुटलहड़, 28 नवंबर को चिंतपूर्णी और 29 नवंबर को गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के बारे में जागरूक करेगी। पुनर्निरीक्षण 2022 अभियान के तहत मतदाता सूची को किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने, नाम हटाने या फिर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु समुचित प्रारूप भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को दे सकते हैं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने 1950 नंबर मतदाताओं की सहायता के लिए भी लॉन्च किया है। आज जिला मुख्यालय से डेमोक्रेसी वैन को हमने रवाना किया है, जो कि जिला के सभी संस्थानों में और क्षेत्रों में, पंचायतों में जाएगी। और जो हमारा समरी रिवीजन का अभी प्रोग्राम चला हुआ है, उसके अंदर नए मतदाताओं का एनरोलमेंट, वोटर्स की शिफ्टिंग, वोटर्स का डिलीशन, इसका प्रोग्राम जो है वो 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक चला हुआ है। इसमें हम सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्हें नए मतदाताओं को अगर इलेक्टोरल रोल में शामिल होना है, या फिर जो पुराने मतदाता हैं उनको शिफ्टिंग करानी है इलेक्टोरल रोल में, तो वो संबंधित फॉर्म अपने बूथ लेवल ऑफिसर को भरकर दे सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन भी ये फॉर्म जो है उपलब्ध हैं, उनके आवेदन किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 1950 नंबर भी वोटर्स की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप उस पर भी जाकर जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या कोई ग्रीवांस है, किसी शिकायत करनी है, तो वो शिकायत भी इस संबंध में इन नंबरों पे की जा सकती है।